क्या आपके पास भी डीजल वाली गाड़ी है? क्या आप भी ऐसी कार से चलते हैं जिसमें डीजल डलता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब सरकार जल्द ही डीजल वाहनों को बैन करने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसे लेकर जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है उस पर निर्णय की संभावना बनने लगी है। तो क्या अब देश भर में डीजल से चलने वाली गाड़ियां रोड पर नहीं दिखेंगी? सवाल ये भी है कि अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो इसके विकल्प के तौर पर क्या कुछ देखा जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और सब कुछ जान लें। दरअसल देश में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर सरकार इतनी गंभीर है कि बड़े बड़े फैसले पर विचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में बैन करने वाला ये फैसला भी जल्द ही सबके सामने आ सकता है। एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है तो वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सरकार अगर ये फैसला सुना देती है तो किसे फायदा होगा और किसे इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, वो बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल ने इस साल मई महीने में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। साथ ही इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही थी। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ये सख्त कदम उठा सकती है। दरअसल देश के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत इसी साल 1 अप्रैल से देश में स्वच्छ ईंधन के लिए फेम योजना के BS6 चरण 2 को लागू किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को रियायत दी गई है। गाड़ियों में एथेनॉल ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। वर्तमान में पेट्रोल में 11.75% एथेनॉल मिश्रण हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक बायो ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का है, जो अभी 6.2% ही है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि भारत में रिफाइंड ईंधन की खपत का लगभग 2/5 हिस्सा डीजल का है, जिसका 80% परिवहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2013 में डीजल कारों की हिस्सेदारी 58% थी, जो वर्ष 2017 में 40 हो गई। वित्तीय वर्ष 21 में ये घटकर 17% से कम हो गई, तो वहीं वित्त वर्ष 23 में ये 19% से कम है। इसके अलावा डीजल वाहन बहुत उच्च स्तर पर प्रदूषण कण पर्टिकुलर मैटर यानी कि PM उत्पन्न करते हैं। लंबे समय तक ऐसी गैसों या फिर हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों की समस्याएं, अस्थमा और कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। कई शोध में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। वाहन निर्माता कंपनियां डीजल कार निर्माण को लेकर सतर्कता बरत रही हैं और इसे लेकर कम करने की पहल कर रही है। मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार कंपनियों ने यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण पहले ही बंद कर दिया है। वहीं टोयोटा और मारुति फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर काम कर रही है। अमेरिका 2030 से डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। जून 2022 में पेरिस में भारी गैस उत्सर्जित करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फ्रांस 2040 तक जीवाश्म ईंधन कारों की बिक्री बंद कर देगा। यूनाइटेड किंगडम भी वर्ष 2030 से नई पेट्रोलियम और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। तो ऐसे में भारत में क्या कुछ होगा, ये भी इंतजार का विषय है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।